हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिट मैनिपुलेशन प्लेलिस्ट। तो आज हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो है फाइंड वेदर अ नंबर इज इवेन और ऑड। इसमें हम लोग को एक नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें हम लोग को फाइंड करना है कि वो इवेन नंबर है या ऑड नंबर है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एन इज इक्वल टू 13। तो इसमें हम लोग को पता करना है कि ये नंबर ऑड है या इवेन। तो ये ऑड नंबर है, तो ये हम लोग को फाइंड करके बताना है। तो इसको सॉल्व करने के हम लोग चार तरीके से इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो हम लोग का पहला तरीका होगा यूजिंग मॉड ऑपरेटर। तो मॉड ऑपरेटर में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जो नंबर दिया हुआ है हमारा उसको हम लोग टू से मॉड करेंगे। जैसे अगर हम लोग इफ एन मॉड टू, अगर ये हमारा वन आता है तो हमारा नंबर होगा ऑड, एल्स हो जाएगा हमारा नंबर इवेन। मतलब जैसे 13 को मॉडुलो टू से किए तो ये आया वन, तो ये हो गया हमारा ऑड नंबर। ऐसे ही हम लोग अगर नंबर हमारा 8 होता है, 8 को मॉडुलो 2 से किए तो ये आया 0, तो ये हो गया हमारा इवेन नंबर। ठीक है, तो ये हम लोग समझ चुके हैं। जैसे ये हुआ हमारा फर्स्ट अप्रोच। अब इसको हम लोग सेकेंड अप्रोच से देखें, तो हम लोग सेकेंड अप्रोच इसमें लगा सकते हैं कि हम लोग इसको बिटवाइज एंड ऑपरेटर से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सेकेंड अप्रोच है हमारा यूजिंग बिटवाइज एंड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नंबर होगा उसको हम लोग वन से एंड कर देंगे। जैसे देख लीजिए, अगर हमारा एन है 13, इसको हम लोग बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो होगा 1101। अगर इसको हम लोग वन से एंड कर देते हैं तो ये हमारा वन आया, बाकी सारे जीरो आ जाएंगे। वहीं अगर हम लोग कोई इवेन नंबर लेते हैं, इसको वन से एंड करते हैं तो ये हमारा जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग समझ पाए कि मतलब अगर एन एंड वन, ये अगर कुछ भी नंबर आता है तो ये हो जाएगा ऑड, एल्स इवेन होगा। क्योंकि अगर जीरो आ जाता है तो इवेन नंबर होगा, अगर एन एंड वन हो ये तो मेनली वन ही आएगा, क्योंकि हम लोग वन से ऑड कर एंड कर रहे हैं, तो ये हो गया ऑड। तो ये हो गया हमारा सेकेंड अप्रोच। अब हम लोग थर्ड अप्रोच देखते हैं। थर्ड अप्रोच हम लोग यूजिंग डिवीजन ऑपरेटर कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जैसे देख लीजिए, अगर हमारा नंबर है एन, मान लीजिए हमारा 13 है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इफ एन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू इज इक्वल टू एन हो गया तो ये होगा हमारा इवेन, एल्स ऑड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारा 13 बाई टू किए तो ये हमारा आया 6, अब 6 को मल्टीप्लाई किए 2 से तो ये हमारा आया 12। अब देखिए 13 इज नॉट इक्वल टू 12 है, तो ये हमारा ऑड नंबर हो गया। वैसे ही अगर हम लोग n बराबर 8 है हमारा, तो 8 बाई टू हम लोग किए तो आया 4, और 4 को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आया 8। अब देखिए 8 इज इक्वल टू 8 है, तो ये हमारा हो गया इवेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड अप्रोच। अब हम लोग फोर्थ अप्रोच के तरफ चलते हैं। तो फोर्थ अप्रोच है हमारा यूजिंग लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। जैसे हम लोग थर्ड अप्रोच में देखें कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वैसे ही जैसे हम लोग वो ऑपरेशन कर रहे थे नंबर पे, तो हम लोग अगर बीट पे वो ऑपरेशन कर दे तो हम लोग डिवाइड करते हैं बीट पे तो उसको हम लोग राइट शिफ्ट बोलते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा नंबर है यहाँ पे 8, तो हम लोग थर्ड अप्रोच में क्या कर रहे थे, इफ़ एन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू इज इक्वल टू एन हुआ तो ये हो जाता था इवेन हमारा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं बीट के रिस्पेक्ट में, इफ़ एन डिवाइड को हम लोग बीट में कैसे करेंगे, राइट शिफ्ट ऑफ वन और फिर लेफ्ट शिफ्ट ऑफ वन कर देंगे, ये हो गया एन के इक्वल, तो ये हुआ इवेन, एल्स ऑड हो जाएगा।
अब यहाँ पे जो सेम चीज़ है हमारा, जैसे ये सेम चीज़ है, एन बाई टू को हम लोग एन राइट शिफ्ट ऑफ वन लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे देखिए एन राइट शिफ्ट ऑफ वन का मतलब क्या हुआ, एन डिवाइडेड बाई टू पर पावर वन, इसको एन बाई टू लिख दिए, और वही एन राइट शिफ्ट ऑफ, अब हमें क्या करना है, एन बाई टू को हम लोग करना है लेफ्ट शिफ्ट ऑफ वन, इसको हम लोग क्या करेंगे, एन बाई टू इंटू टू पे पावर वन, तो हो गया एन बाई टू पे पावर इंटू टू, तो दोनों सेम ही है, इसको हम लोग ऐसे लिख, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ अप्रोच, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, मान लीजिए एग्जांपल है हमारा एट, तो एन बराबर एट है हमारा, तो इसको हम लोग वन जीरो 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 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एन राइट शिफ्ट ऑफ वन करना है, फिर लेफ्ट शिफ्ट ऑफ वन करना है, तो राइट शिफ्ट ऑफ वन किए तो इसको हम लोग एट डिवाइडेड बाई टू पे पावर वन, तो टू किए तो ये फोर आया। अब फिर लेफ्ट शिफ्ट करना है तो फोर इंटू टू पे पावर वन, तो ये हो गया एट। अब एट इज इक्वल टू एट है, तो ये हो गया हमारा इवन। तो अब हम लोग चारों अप्रोच समझ चुके हैं, कैसे सॉल्व करना है इवन और ऑड कैसे फाइंड करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।